मेडिकल साइंस में बहुत जल्द एक चमत्कार होने वाला है और हिमाचल प्रदेश से आई यह खबर उन लाखों लोगों के जीवन में आशा की किरण साबित होगी जो वर्षों से स्किन कैंसर से जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुआ एक अनुसंधान बहुत जल्द यह सिद्ध कर देगा कि अल्ट्रावायलेट रेस यानी सूरज की पराबैंगनी किरणें मनुष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और त्वचा कैंसर की अचूक दवा शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध होगी। इस बैक्टीरिया पर रिसर्च हो चुकी है और पेटेंट भी रजिस्टर्ड हो चुका है। वैज्ञानिक शीघ्र ही इसे मानव कल्याण के लिए बाजार में उतारने वाले हैं। तो कैंसर से जूझते लाखों लोगों को यह औषधि मिली है लद्दाख की पैंगोंग झील में, और इस झील में ही ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो पराबैंगनी किरणों से कभी प्रभावित नहीं होते। इन बैक्टीरिया में घावों को भरने की अद्भुत शक्ति पाई गई है। यह शोध किया है हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन के प्रोफेसर कमल देव। डॉक्टर कमल देव है, मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर पे नियुक्त हूँ। हमने शूलिनी यूनिवर्सिटी में एक लाल बैक्टीरिया ले लद्दाख लेक से, जो कि पैंगोंग टीएसओ लेक है, वहाँ से आइसोलेट किया है। ये बैक्टीरिया रेड कलर का पिगमेंट या कलर प्रोड्यूस करते हैं। हम इस पिगमेंट और कलर को बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। ये लाल कलर का जो पिगमेंट है, ये हमने इस बैक्टीरिया में पाया कि इसलिए प्रोड्यूस करता है कि अपने आप को जो है यूवी रेडिएशन से ही ये प्रोटेक्ट कर सकता है। तो हमने इसी आइडिया को लेके इस बैक्टीरिया से रेड कलर का पिगमेंट जो है वो आइसोलेट किया एंड उसको स्टडी किया लेबोरेटरी में शूलिनी यूनिवर्सिटी में कि क्या ये बैक्टीरिया जो है यूज हो सकता है स्किन कैंसर को प्रोटेक्ट और मार देने के लिए। तो इसलिए हमने टेस्ट किए कि इसको स्टडी किया कि ये जितने भी स्किन कैंसर हैं जो कि यूवी रेडिएशन से होते हैं उनको ये जड़ से ख़त्म कर सकता है। इसी के साथ हमने ये भी पाया कि जैसे वुंड्स होते हैं या घाव होते हैं हमारे स्किन में, उनको भी ये रिकवर करने में हेल्प करता है बहुत जल्दी। तो हमने ये पाया कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी क्षमताएँ हैं कि ये बैक्टीरिया को भी मार सकता है और ये फंगल सेल्स को भी मार सकता है। तो ये एज ए ड्रग भी यूज होता है। इसके इन प्रॉपर्टियों के हिसाब से हमने ये एक्चुअली एज ए एंटी माइक्रोबियल बैंडेजेस विच कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग एक्चुअली टू इन ऑर्डर टू ट्रीट द वुंड्स और द स्किन वुंड्स मोर इफेक्टिवली, उसमें भी यूज किया है। इस पिगमेंट में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी है, इसको हम एज ए फूड कलर भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव न्यू कलर टू द फूड। इस पिगमेंट में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये एज ए न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काम करता है, फूड की जो है इसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इट कैन बी यूज एज ए फूड सप्लीमेंट आल्सो। तो ये बैक्टीरिया को भी मारता है, फंगस को भी मारता है, तो इट कैन बी यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है फूड प्रोटेक्शन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू एनहेंसमेंट करने के लिए एंड स्किन कैंसर को जो है उनको भी ये रोकने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही हमने इसकी एप्लीकेशन यूज़ किए कि क्या हम इसको क्लोथ्स के कलरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पाया कि ये क्लोथ कलरिंग में भी बहुत यूजफुल है। तो इसके प्रॉपर्टीज हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल भी है, बैक्टीरिया को भी किल करता है, फंगल सेल को भी किल कर सकता है, क्लोथ्स को भी कलर कर सकता है। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से, इस गुणवत्ता की वजह से हम इसे नए क्लोथ्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं, जो कि मास्क बना सकते हैं लेबोरेटरी में या हॉस्पिटल्स में, जैसे गाउन्स होते हैं या लैब कोट्स होते हैं उनको बनाने में भी कामयाब हो सकता है। तो इस बैक्टीरिया में इतने सारे एप्लीकेशन हैं फूड प्रिजर्वेशन, फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू एनहेंसमेंट करने के लिए, पानी के लिए बहुत एक हाई एल्टीट्यूड लेक पैंगोंग लेक है जो कि लेह लद्दाख में है, और ये बैक्टीरिया हाई एल्टीट्यूड में होते हैं जहाँ की फ्रीजिंग कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे
ड्राई डेजर्ट्स हैं, कोई कोई वेजिटेशन नहीं है, ये बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट पे होते हैं जहाँ टेम्परेचर -20 तक जा सकता है। तो हमारा एक्चुअली शूरनी विश्वविद्यालय से एक बच्चों का ग्रुप समूह जो है वह उनके साथ गया और वहाँ से हमने ये जो पेंगोंग लेक है वहाँ से वाटर सैंपल कलेक्ट किया था और उस सैंपल को फिर हमारे शूरनी यूनिवर्सिटी शूरनी विश्वविद्यालय में लाके हमने एक्सपेरिमेंट, हमारे जो PhD स्टूडेंट है गरिमा बिस्ट उसने इस पे बहुत रिसर्च की और मेहनत की और उसमें से ये मॉलिक्यूल निकाले और इन मॉलिक्यूल्स के हमने 5 पेटेंट दायर कर रखे हैं, 5 डिफरेंट एप्लीकेशंस। एक तो हमने फूड प्रिजर्वेशन में कर रखा है कि फूड की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसको ये प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है, उसको कलर भी देता है। दूसरा हमने जो पेटेंट फाइल किया है वो किया हमने टेक्सटाइल में कि जिसमें ये टेक्सटाइल जो क्लोथ है उसको भी कलर कर सकते हैं और उसके साथ साथ एंटी माइक्रोबियल क्लोथ बना सकते हैं जो कि आप एज ए लैब कोट बना सकते हैं, एज ए मास्क बना सकते हैं और इवन इनर गारमेंट्स कैन बी प्रिपेयर कैन बी मेड विच आर एंटी माइक्रोबियल। सो दूसरा पेटेंट हमने इसके दायर में किया। तीसरा पेटेंट हमने वुंड हीलिंग में किया है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, बैक्टीरिया को किल करता है, फंगल सेल्स को किल करता है और ये जो हमारे स्किन सेल्स हैं उनको ये उनकी ग्रोथ बढ़ाता है। तो हमने एक पेटेंट दायर किया है जो कि हमने वुंड हीलिंग के लिए एफिशिएंट एंड फास्ट वुंड हीलिंग के लिए इसका पेटेंट फाइल किया है और बहुत जल्दी ये मार्केट में हम जो एंटी माइक्रोबियल बैंडेजेस है विद इफेक्टिव और एफिशिएंट वुंड हीलिंग वो मार्केट में हम ले आएंगे। चौथा जो पेटेंट हमने इसमें फाइल किया है वो किया है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज है। ये आपने जैसे देखा होगा कि आजकल जो ड्रग्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं 300 mg, 500 mg और इसका हाई डोज जो है वो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसको जब इस पिगमेंट को, इस कलर को जो बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट किया है, जब इसको हम एंटीबायोटिक के साथ यूज़ कर सकते हैं करते हैं तो इसका आपको 300 mg या 400 mg का टेबलेट नहीं लेना पड़ेगा। एक डोज में आप 20 या 25 mg के साथ ही आपको आराम मिल जाएगा और जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है वो आपका ट्रीट हो जाएगा। तो शूरनी विश्वविद्यालय में एक ये इस फील्ड में बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है कि कैसे हम जो केमिकल्स हैं उनको एज ए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ रिप्लेस किया जाए जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचा जाए फ्यूचर में और हमें बहुत सारी जो इसके यूजफुल हैं हमें या अपनी आने वाली जनरेशन को इसका बहुत सारा फायदा मिल सके। एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात है कि इस झील में ना कि हमें एक रेड कलर और रेड पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मिला बट हमें बहुत सारे और भी बैक्टीरिया मिले जिनके कलर कई ग्रीन कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कई ऑरेंज कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कोई पिंक कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, कोई येलो कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करता है और हमने पाया कि इन डिफरेंट पिगमेंट्स की एक्चुअली बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो हम शूरनी यूनिवर्सिटी में इस पर शोध कर रहे हैं कि कैसे ये डिफरेंट पिगमेंट्स जो हमारे 13-14 पिगमेंट हमने आइसोलेट किए हैं, 13-14 डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास बैक्टीरिया हैं और इनसे हम ये डिफरेंट पिगमेंट आइसोलेट कर रहे हैं ताकि हम जितने भी केमिकल्स हैं वेदर इन द फूड इंडस्ट्री और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इन ड्रग इंडस्ट्री सारे ही हम इन डिफरेंट कलर्स के साथ अक्ली रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमारी रिसर्च जो है इसमें जारी रहेगी और ये और 4-5 साल रिसर्च चलेगी जब तक हम ये सारे ही पिगमेंट डिफरेंट कलर के हम अक्ली आइसोलेट करके इनको डिफरेंट एप्लीकेशन में टेस्ट करके एक सोसाइटी के लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट्स मार्केट में तैयार करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने रिसर्च, ये जो खोज की है और ये हमने शोध किया है, ये हमारी एक्चुअली 4 सालों की कड़ी मेहनत के साथ हमने इस मुकाम पे पहुँचे हैं और ये रिजल्ट जो मैंने आपको बताया, जो इसके एप्लीकेशन बताए डिफरेंट 4-5 डिफरेंट एप्लीकेशंस, ये 4 सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद जो PhD स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, उनकी मेहनत के बावजूद ही ये इस मुकाम पे हम पहुँच सके हैं और इसी मुकाम को, इसी सफलता के बाद हमने ये 5 पेटेंट इस फील्ड में फाइल किए हैं इस कलर, एक ही पिगमेंट के ऊपर, एक ही कलर के ऊपर, जो कि शूरनी यूनिवर्सिटी के लिए, नॉट ओनली शूरनी यूनिवर्सिटी के लिए बट हिमाचल के लिए और इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये हाई एल्टीट्यूड लेक जो है उसमें इतने तरह के बैक्टीरिया हैं और इतने तरह के कलर प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक नहीं 5-5 पेटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक नया रिवोल्यूशन होगा कि हम जितने भी सिंथेटिक कलर्स हैं या केमिकल बेस्ड कलर्स हैं या बाकी चीज़ें हैं उनको ये रिप्लेस करने में बहुत यूजफुल होंगे और एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम इनको एक्चुअली हेल्थ बेनिफिट या सोसाइटल बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे।